वन स्वागत है आप सबका। तो काफ़ी लंबे टाइम आज फिर से मैं रिवीट का वीडियो लेके आ रहा हूँ आपके साथ। इतने टाइम में आप लोगों की कमेंट देख के मुझे ऐसा महसूस हुआ है कि आप लोगों को जो मेज़र प्रॉब्लम्स आ रही है वो आपको डोर बनाने में आ रही है। तो इसी के लिए मैंने सोचा कि चलिए आपके लिए फिर से एक बार ये फ्रंट गेट का एक वीडियो बना के लाता हूँ ताकि आपका ये डाउट क्लियर हो जाए। इसी टाइप से अगर आपको और भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालिए ताकि मैं आपकी हेल्प कर पाऊँ। और भी काफ़ी कुछ लोगों को जो प्रॉब्लम्स आ रही थी तो मैंने उनको बोला भी था कमेंट में कि आप मुझे मेल कर सकते हैं। ठीक है, तो करते हैं स्टार्ट। तो ये मैंने अपना रेविट ओपन कर लिया है। मेरे पास रेविट का 2020 वर्ज़न है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन सिर्फ ये आपको बताने के लिए बता रहा हूँ मैं। ठीक है, तो सबसे पहले करते हैं, हमारा बिल्कुल फ्रेश मॉडल है। तो सबसे पहला काम, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है, हमको क्या करना है, यूनिट, और यूनिट में हमको लेंथ चेंज करना है फीट एंड इंच में, क्योंकि जनरली हमारा इसी में ही काम चलता है और एक्यूरेसी भी लगभग नियरेस्ट 1 इंच तक ही लेते हैं। बाकी अगर आपको ये समझ में नहीं आया है तो हो सकता है कि आप फेमिलियर नहीं है पुरानी चीज़ों से, फिर भी मैं इसमें सारी चीज़ें बता ही रहा हूँ, लेकिन आप पुराने वीडियो ज़रूर देख लें। अब यहाँ पे हमारा काम हो चुका है, अब हम कर देते हैं वॉल क्रिएट चारों ओर, एडिट टाइप, डुप्लीकेट वॉल, 8 इंच की वॉल ले लेते हैं, सॉरी इंच की जगह को मान लेते हैं। मैं आपको यही मान के समझा रहा हूँ यहाँ पे जल्दी में, ताकि अकॉर्डिंग टू मी कि आप हमारे पुराने स्टूडेंट हैं। चलिए, तो यहाँ तक आ गए, हम करते हैं अब लेवल सेट। तो लेवल सेट करने के लिए क्या करना है, LL पहले तो जाना पड़ेगा हमको हमारी साइड में, कौन से साउथ साइड ले लेते हैं हम। ओके, ये हमारा पहला लेवल है, इसका नाम रख देते हैं हम ग्राउंड लेवल, और इसका नाम रख देते हैं हम फर्स्ट फ्लोर। ओके, ये तो नॉर्मल में सिर्फ आपको ऐसे ही करवा रहा हूँ ताकि इसको हम 11 फीट ले लेते हैं। ओके, चलते हैं अब हमारे ग्राउंड लेवल पे। ग्राउंड लेवल पे जाने के बाद फर्स्ट फ्लोर का नाम, चलिए तो चलते हैं हमारे ग्राउंड लेवल पे। अब यहाँ पे क्या करना है हमको, एक वॉल क्रिएट करना है। अब उसके लिए यहाँ से आपको हाइट कहाँ तक रखनी है, फर्स्ट फ्लोर तक की हाइट रखनी है। ठीक है, वॉल सेंटर लाइन की जगह मैंने आपको अधिकतर सारे फिनिश फेस एक्सटीरियर के थ्रू ही बताए हैं। ठीक है, चलिए करते हैं हमारे वॉल क्रिएट। सपोज़ अब मेरे प्लॉट के साइज़ कुछ भी अभी ले लेता हूँ मैं 30x, ये मैं वापस से इतना इसलिए बता रहा हूँ ताकि जो काफ़ी लंबे टाइम बाद देख रहे हैं तो फिर से समझ पाए पूरी बातों को। तो ये हमारी वॉल बन चुकी है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं बाउंड्री वॉल करूँगा। तो एक काम और करते हैं हम, इसके बीच में एक 4 फीट पे एक वॉल और बना देते हैं। ठीक है, इसको मैं कर लेता हूँ जूम, एक सेकंड। चलिए, अब जूम करने के बाद अब ये जैसा कि मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ, ये हाइट विड्थ है, यहाँ से मैं चेंज भी कर सकता हूँ। इसको मैं कर देता हूँ 4 फीट। ठीक है, बाकी इसके मैंने प्रॉपर वीडियो आपको पहले ही बना के दिखाए हैं तो आप वो ज़रूर देख लें। उसके बाद फिर मैं इस वॉल को मॉडिफाई कर देता हूँ यहाँ से। इसको मॉडिफाई करने के लिए स्प्लिटर है, स्प्लिट एलिमेंट, इसको मैं करता हूँ यहाँ से स्प्लिट। ठीक है, इसको कर देते हैं स्प्लिट यहाँ से भी और यहाँ से भी। अब आप सोच रहे होंगे कि स्प्लिट क्यों कर दी, देखिए ये
पोर्शन मेरा जो आएगा, ये बाउंड्री वॉल मेरी कहाँ तक आएगी, इसकी हाइट रहेगी मेरी कौन से लेवल तक, बाउंड्री लेवल तक। एक लेवल और बना देता हूँ मैं यहाँ से, एलएल से मैंने लेवल लिया है और इसकी हाइट मैं रख देता हूँ 5 फीट के, एक मैं बाउंड्री लेवल कर देता हूँ जिसका नाम मैं दे देता हूँ BL। ओके, तो BL नाम कुछ अजीब ही आ रहे हैं, चलो कभी कभी हो जाती है ऐसी प्रॉब्लम, इट्स नॉट अ बिग डील। ठीक है, तो ये मेरा GG के नाम से कर दिया इसने लेवल। ठीक है, तो मेरा ये वाला जो बाउंड्री वॉल है इसकी हाइट मुझे कहाँ तक रखनी है, GG तक। ठीक है, चलो यहाँ पर तो सही आ रहा ना, बाउंड्री लेवल तक। ओके, अब ये हो गई, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये वाली भी मुझे इसी हाइट में रखनी है, तो यहाँ पे मुझे करना पड़ेगा मैच प्रॉपर्टी, इसका शॉर्ट की क्या है, MA, और यहाँ से भी आप ले सकते हैं डायरेक्ट मैच प्रॉपर्टीज़, यहाँ पे शॉर्टकट की लिखा हुआ भी है, MA लिया मैंने, इसको क्लिक किया, देन इसको और देन इसको। अब आप समझ गए कि क्या हो रहा है यहाँ पे, मैं इसको रियलिस्टिक व्यू में चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, अब लगभग लगभग हमारे 6-7 मिनट हो चुके होंगे और अभी तो हम इसी पर ही पहुँचे हैं। चलिए, तो अब डायरेक्ट जिस चीज़ के लिए आज हम यहाँ पर आए हैं वो काम मैं स्टार्ट करता हूँ। तो यहाँ से मैं वापस से इसको एक स्प्लिट कर लेता हूँ, एक तो इस पोर्शन को यहाँ से कर लेता हूँ और इससे करीबन मुझे बनाना है 6 फीट का या 7 फीट का एक गेट ले लेता हूँ। ठीक है, इसको कर देता हूँ कैंसिल, तो ये रहा मेरा पोर्शन। ओके, अब ये वाला गेट हमें बनाना है, तो अब देखिए ये करीबन 7 फीट का है, तो इसमें देख पा रहे हैं हम कि ये वाला पोर्शन थोड़ा छोटा है और ये वाला बड़ा है, तो इसको मैं ले लेता हूँ 4 फीट का और इसको मैं ले लेता हूँ 3 फीट। ठीक है, वैसे तो ये गेट ज़्यादा बड़ा है लेकिन फिर भी हमने जो लगभग साइज़ हम लेते हैं एक्चुअल में मैंने वही ली है। चलिए, तो इसको बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ, कंपोनेंट आर्किटेक्चर में जाता हूँ, कंपोनेंट मॉडल इन प्लेस। ठीक है, यहाँ से मैं डोर ले लेता हूँ, मैंने आपको बताया भी है कि मैक्सिमम चीज़ें आप केस वर्क से भी कर सकते हैं, और डोर है तो डोर से ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ से मुझे क्या करना है, इसको एक्सट्रूजन करना है, क्यों, क्योंकि मुझे चारों साइड की ये पोर्शन अभी क्रिएट करना है। ठीक है, चलिए तो करते हैं स्टार्ट। अब रेक्टेंगल ले लेते हैं सबसे पहले, सबसे पहले तो हमको करना पड़ेगा हमारा वर्क प्लेन सेट। तो क्या करते हैं, पिक अ प्लेन, एक प्लेन पिक कर लेते हैं। ठीक है, ये वाली फ्रंट वाली मैंने वॉल पिक कर ली, अब यहाँ से मैं ले लेता हूँ रेक्टेंगल। ठीक है, अगर वीडियो ज़्यादा फास्ट हो रहा है तो मुझे कमेंट में आप बता देना, ताकि मैं अगली बार वीडियो बनाऊँ तो थोड़ा स्लो कर दूँगा, 4 फीट 6 इंच कर देते हैं ताकि इससे थोड़ी सी हाइट कम हो जाए, या अभी यही रहने देते हैं 5 फीट। ठीक है, और इधर मैंने बोला था 4 फीट लेना है तो 4 फीट ले लेते हैं। देखिए, अब ये गेट यहाँ से देखा जाए तो ज़्यादा चले, ठीक है, आपको सिखाना है मेन तो जो पर्पस है हमारा। अब देखिए एक चीज़ आप नोटिस करना कि ये जो ऊपर वाली ये पोर्शन है ये हमारा है ही, क्यों, क्योंकि यहाँ से इस पोर्शन को हमको ऐसे कर्व में लेके जाना है। ठीक है, बाकी हमारे चारों साइड एक फ्रेम हम तैयार कर सकते हैं, तो चलिए करते हैं फ्रेम तैयार। उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ऑफसेट लेना पड़ेगा, और थोड़ा सा मैं क्या बोलते बोलते मैं भूल जाता हूँ कि आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, तो मेरी आवाज़ कुछ ज़्यादा ही स्लो चले जाती है, इसके लिए आई एम सॉरी। चलिए, तो ये फ्रेम क्रिएट करते हैं। अब इस फ्रेम में ये वाला जो पोर्शन है इसको आप 2-3 टाइप से कर सकते हैं, जैसा कि मैंने बताया था, आप ट्रिम करके भी कर सकते हैं या ऐसे नॉर्मल ड्रैग करके भी इसको इस जगह पे शिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, और ये वाला पोर्शन है तो इसको मैं ऐसे पैक कर देता हूँ, और इधर वाले पोर्शन को भी मैं कर देता हूँ पैक। ओके, ये देखिए ये वाला पोर्शन भी पैक है मेरा, और ये वाला भी पैक है, ये वाला थोड़ा ज़्यादा मोटा है तो इसको कर देते हैं हम थोड़ा ज़्यादा मोटा, जैसा कि मैंने आपको बताया रिवीट में ये चीज़ें करना बड़ा ही आसान है, 6 इंच का कर दिया मैंने। ठीक है, अभी इसके जैसा दिखने लग गया, और ये वाला जो पोर्शन है ये ऐसा नहीं, ओके कैसा है, तो
थोड़ा सा यहाँ से डाउन है और उसके बाद यहाँ से आया है ऐसे, ठीक है। थोड़ा सा ज़्यादा हो गया क्या, तो इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं और इसको वापस हम बढ़ा देते हैं इसकी जगह पर, ठीक है। अब आई थिंक ये वाला पोर्शन तो हो गया हमारा क्लियर, और ये वाला जो है ये उससे थोड़ा सा कम हाइट पे है, ये कम हाइट पे कर देते हैं। देखिए अभी हम जो बना रहे हैं एग्जैक्ट इसके जैसा बने ये पॉसिबल नहीं है, उसका रीज़न ये है कि इसकी साइज़ अलग है और उसके साइज़ अलग है, ठीक है। तो अभी ये नॉर्मल आपको सिखाने के लिए पर्पज़ से ही मैं बना रहा हूँ, तो आप उसी उद्देश्य से करें इसको, ओके। तो ये वाला पोर्शन तो हमारा हो गया क्रिएट, आप देखना चाहें तो देख भी सकते हैं। देखिए ये अब इसके जो डेप्थ है वो हम कर देते हैं चेंज। अभी मैंने मटेरियल नहीं दिया इसको, ठीक है, मटेरियल देना मैंने आपको सिखा दिया है और आप अच्छे से जानते हैं कैसे मटेरियल दिया जाता है, या आप चाहें तो मैं एक बार बता देता हूँ आपको एक पोर्शन में, इसको आप यहीं से मटेरियल भी प्रोवाइड कर दीजिए, ताकि क्या होगा कि जब आप इसमें कलर करेंगे या वहाँ से मटेरियल सिलेक्ट करेंगे तो वहाँ पर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। थोड़ा सा हैंग हो रहा है, कभी कभी हो जाता है ऐसा, बड़े बड़े देश में छोटी मोटी बातें होती रहती है। चलिए तो मैं इसके लिए एक नया मटेरियल चाहूँ तो क्रिएट भी कर सकता हूँ, ठीक है, क्रिएट कर देते एक नया मटेरियल, न्यू फ्रंट गेट मटेरियल, ठीक है, ओके। ये न्यू फ्रंट गेट मटेरियल हो गया मेरा क्रिएट, और ये पोर्शन देखिए इसके बाहर आ रहा है, तो इसको मैं कर देता हूँ अंदर, तो 3 इंच अंदर करने के लिए माइनस का 3 इंच कर देता हूँ, क्या दिक्कत, ये हो गया मेरा अंदर, ठीक है। 3 इंच ज़्यादा हो रहा है तो आप इसको 2 इंच का भी रख सकते हैं, ये सब हमारे ऊपर है कि हमारी साइट की कंडीशन कैसी है, हम क्या बनाना चाह रहे हैं। चलिए तो ये यहाँ तक क्लियर है, अब आगे चलें, तो अब मैं चाहूँ तो इसी को एडिट कर सकता हूँ, कर देते हैं इसी को एडिट पहले तो, पर हमको कलर का भी देखना है, कलर हमारा सेम है, ये वाली अब मैंने ये वाला पोर्शन बना दिया है, अब मैं एक साथ ये वाली फ्रेम भी बनाऊँगा, ये भी बनाऊँगा और इसके साइड वाली ये वाली फ्रेम भी आपको अभी बना रहा हूँ मैं, ठीक है, ताकि फिर बाद में प्रॉब्लम ना आए। इसको करते हैं हम एडिट एक्सट्रूजन। अब क्या करना है हमको कि एक चीज़ जो है कि हमारा जो ये पोर्शन है इसमें इसको हम कर देते हैं डिलीट, इसका रीज़न मैं आपको बता रहा हूँ मैं अभी जस्ट, वो क्या रहा है कि ये वाला जो नीचे का पोर्शन है उसमें नीचे गैप है हमारे, अभी दिखाता हूँ मैं आपको, ये मैंने कर दिए दोनों अलग, ये देखिए इस वाले पोर्शन में देखिए नीचे गैप दिख रही है, तो हमको इसका भी ध्यान रखना है, तो उसके लिए क्या करते हैं हम, हमारा जो शॉर्टकट काम हमने जो किया था इससे हम कर देते इसको 2 इंच पे ब्रेक, ठीक है, यहाँ भी सेम इसी हाइट पे हम इसको कर देते हैं 2 इंच पे ब्रेक, ये वाला पोर्शन हो गया कट, इधर भी ये वाला पोर्शन हो गया कट, और इन दोनों पोर्शन को आप मिला दीजिए तो ये हमारा नीचे वाला बन गया, ठीक है। अब इसके बाद आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे कैसे गया है यहाँ से और ऊपर से, सबसे पहले हम ऊपर वाला पोर्शन बना लेते हैं, तो उसके लिए क्या करते हैं, एक लेते हैं हम स्टार्ट एंड रेडियस, ये अगर काम नहीं करेगा तो फिर हम दूसरा पोर्शन लेंगे, ठीक है। अब ये कहाँ से स्टार्ट है, ये इस जगह से स्टार्ट हुआ है और किस टाइप से गया है, मान के चलिए कि यहाँ तक पूरा कनेक्ट हुआ है टाइप से, क्या ऐसा नहीं है, है ना, ठीक है, लगभग बन रहा हमारा यही है, थोड़ा सा और हम इसको कर देते हैं डाउन,
को डाउन करने के लिए हमको करना पड़ेगा यहाँ से सिलेक्ट, अगले पोर्शन को भी सही करना पड़ेगा। इसको पूरे को थोड़ा सा नीचे खींच देते हैं और इसको कर देते हैं थोड़ा सा ऊपर, ताकि थोड़ा सा शार्प नज़र आना। ये हो गया हमारा पोर्शन, ओके। अब इसका ले लेते हैं हम ऑफसेट 3 इंच का। ये देखिए मोटा पट्टा है क्या, तो 3 इंच का ऑफसेट 2 इंच का ले लेते हैं, क्योंकि ये हमारा पोर्शन 2 इंच का है ना। तो ऑफसेट भी हम इसका ले लेते हैं कितने इंच का, 2 इंच का। चलो मज़े तो आज आ नहीं रहे होंगे, क्योंकि बहुत दिनों बाद मैं भी माइक को बोल रहा हूँ, तो थोड़ा सा मेरी भी हैबिट छूट गई है। धीरे धीरे वापस हम हो जाएंगे पहले जैसे। मेरा एम यहाँ पे सिर्फ इतना ही है कि मैं आपको जो मुझे आता है वो मैं आपको सिखा दूँ, इसलिए मैं इतनी चीज़ें नहीं कर पाता हूँ जैसा जो सब कर पाते हैं, कि इनको भीड़ बना बढ़ानी रहती है। तो अगर मुझे भीड़ ही बनानी रहती तो इतना रिस्पॉन्स आप लोगों का मिलने के बाद मैं चाहता तो और भी रोज़ मैं कुछ तो भी वीडियो ले लेके आ जाता, लेकिन मैं नहीं लेके आया हूँ। सिख का रीज़न ही यही है कि मेरा उद्देश्य सिर्फ यही है कि आपके पास सारी चीज़ें वो पहुँच जाए जो मेरे पास मुझे जो आती है। कुछ चीज़ें मैं जो आपके साथ शेयर नहीं कर पाया हूँ, मैं बहुत सारी चीज़ें भूलने भी लगा हूँ, तो मैं ये भी चाहता हूँ कि मैं मुझे वो भी याद रहे, मैं ना भूलूँ। एक मेरा लालच ये भी है, क्योंकि बोलते ना विद्या बांटने से बढ़ती है। ठीक है, तो ये वाला मैं कर लेता हूँ इसको कॉपी। आप ये सब आपको याद है, लेकिन आप इसके साथ ये भी देखते जाइए कि इसके साथ जैसे मैं जो काम कर रहा हूँ इसमें मैं किस टाइप से मेरा दिमाग यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि कुछ चीज़ों में आपको ब्रेन का ही यूज़ करना है यहाँ पे। कि सिंपल, जैसे बहुत सारी चीज़ें मैं सिंपल तरीके से कर पाता हूँ, क्योंकि ऐसा नहीं है कि इतना करने के बाद अब आपको सारी चीज़ें आती है, लेकिन कुछ कुछ जगह जो प्रॉब्लम सारी हैं, हो सकता है यहाँ से वो सॉल्व हो जाए। इसको मैं कर देता हूँ इससे जॉइन। कुछ चीज़ें हो सकता है मैंने लंबे तरीके से बता दिए, तो वो आप शॉर्ट तरीका खुद से भी देख सकते हैं। क्योंकि क्या होता है कि अभी मैं क्या आपको सिखाने के पर्पज़ से बना रहा हूँ, तो मेरा ध्यान इधर बोलने में भी है, मुझे बाहर का भी ध्यान रखना है। कोई मेरे घर वाले आ जाए और कुछ ऐसा बोल दे जिसका आपके लिए मज़ा आ जाए। सारी चीज़ें ध्यान रखना एक इंसान के लिए थोड़ा सा टिपिकल टास्क हो जाता है। इसको और थोड़ा पीछे ले लेते हैं, क्या बोलते हैं, जॉइन करा देते हैं, इससे कर देते हैं अनजॉइन। ठीक है, ये तो इससे जॉइन हो चुका है, इसको कर देते हैं डिलीट और इसको बढ़ा देते हैं आगे। ठीक है, और ये वाला पोर्शन इसको भी इधर कर देते हैं और इधर आएगा, ये तो डिलीट ही कर देते हैं आता है, और इसको और पीछे कर देते हैं। आई थिंक ये वाला पोर्शन तो हमारा पूरा क्लियर हो गया है, सिर्फ अब हमें करना है तो ये बाद वाला ही पोर्शन बचा है हमारा जो करने लायक है। क्या कर देते हैं इसको हम मिरर। ठीक है, याद आया कि भूल गए, आई थिंक याद तो वही से आपको इतना तो, क्यों इतनी मेहनत से मैंने बताया था पहले तो याद होना भी चाहिए। अगर आप ऐसे भूल जाएंगे तो फिर मेरी मेहनत का क्या होगा। तो इसको मैं कर देता हूँ इधर ड्रैग, सिंपल आप एरो की से ड्रैग कर सकते हैं। अब इसमें जहाँ तक मुझे पता है कि यहाँ पे स्ट्रेट है ना, और छोटा भी है, तो इसको हम कर देते हैं स्ट्रेट और छोटा। चाहे तो आप ये पूरा पोर्शन नया भी बना सकते हैं, सिंपल अपनी अपनी इच्छा है, जिसको जो सिंपल लगे उस टाइप से कर सकते हैं।
तो ये मैंने ले लिया 3 इंच का, थोड़ा छोटा उससे। ये पोर्शन मैं यहाँ जाके टिका देता हूँ और इसको कर देता हूँ मैं वही काम हमारा स्प्लिट। नीचे वाला सेम पोर्शन मैं कर देता हूँ इसको कॉपी, है ना। कॉपी करने के बाद क्या है, कुछ चीज़ें थोड़ी सी इजी हो जाएगी। या चलिए नए ही बना देते हैं, थोड़े काम कॉपी के चक्कर में पड़ते हैं, फिर उसको कॉपी करेंगे, फिर उसको एडिट करना पड़ेगा। और ऑफसेट भी ले सकते हैं इसका, या फिर डायरेक्ट आप ऐसे कर सकते हैं, क्योंकि रिविट है तो कुछ चीज़ें आसान रहती है। रिविट में जैसा कि मैं हर बार बताता हूँ, तो ज़रूरी नहीं है आपको नियम कायदे से ही चलना है, क्योंकि रिविट में क्या है कि बिना नियम कायदे के भी आपको थोड़ी चीज़ें आसान हो जाती हैं। ये मैं आपको सिंपल तरीके से इसमें बता रहा हूँ, आप इसको उसमें भी ले सकते हैं। अभी एक बार इतना पोर्शन हमने कर दिया कंप्लीट, इसको हम करते हैं ओके। ये कुछ चीज़ें हमारी जो ओपन रह गई है, इसको भी हम ज़रा सा देख लेते हैं कहाँ कहाँ पे हमारे। देखो ये पोर्शन है हमारा जो ज्वाइन नहीं हुआ है, इसको हम कर देते हैं ज्वाइन। ये एक जगह और इधर कहीं बता रहा है वो भैया हमारा, ये नहीं हुआ है क्या ज्वाइन? हाँ ये पोर्शन नहीं हुआ है, इसको हम कर देते हैं यहाँ तक ज्वाइन। अब मेरे हिसाब से हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो ये देखो आप, ये हमारे गेट की फ्रेम हो गई है रेडी। तो आपने इतनी बकवास सुनी है तो देख लो, अब आपकी मेहनत का नतीजा है, आपकी मेहनत है इसमें ये सुनने के बाद। चलो तो इसको आगे का करते पोर्शन, हम तो हो जाओ रेडी। फिर वो अगला वाला भी इसी मटेरियल का है, तो हम इसी को एडिट कर लेते हैं, है ना। अब ये पोर्शन कौन सा है, ये वाला है। तो वापस वही काम, कहाँ तक गए, यहाँ से स्टार्ट होके ये या नीचे तक, यहाँ तक गया है, ठीक है। तो ये स्टेप से ऐसा है, इसका मैं ले लेता हूँ ऑफसेट 2 इंच का ओके। अब क्या करना है हमको, वही स्प्लिट एंड रूल ना। इसको फिर से यहाँ से भी हम कर देते हैं ब्रेक, कर देते डिलीट, और ये भी कर देते डिलीट। और यहाँ से मैंने जो गलती कर दी वो आप मत करना, क्योंकि इसको ब्रेक वहीं से करना जहाँ से हमको ज़रूरत है, तो कट इसको डबल एडिट करना पड़ा मुझे। चलिए तो ये तो हो गया हमारा ये काम। अब हमको एक जगह से और स्प्लिट करना पड़ेगा इसको, कहाँ से, एक तो यहाँ से, ओ सॉरी माय मिस्टेक, ये इसको बढ़ा देता हूँ मैं यहाँ तक, पूरा कनेक्ट कर देता हूँ। कनेक्ट करने के बाद फिर स्प्लिट करते हैं हम कहाँ से, एक तो यहाँ से और एक यहाँ से, ये कर दिया हमने, ठीक है। जो भी चीज़ें आपको लगती है कि ओपन हो रही है तो उसको क्लोज करना ना भूलें, क्योंकि वो सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है। और ये होने के बाद इसको भी हम कर देते हैं डिलीट, ठीक है। ये हो गया पूरा ज्वाइन, अब इसको देख लेते हैं, इसको भी हम कर देते हैं स्प्लिट। वीडियो हमारा कितना पहुंच गया है, गया होगा लंबा, पर ठीक है, अब इस बार भले ही लंबा ही सही, लेकिन करेंगे हम पूरा इस बार, ठीक है। खाना खाने का बुलावा आ सकता है अभी। अब आप सोच रहे होंगे कि अरे 9:30 बजे खाना खा लेते हैं, तो सही है यार, ठीक है। ये यहाँ से तो ओपन हो रही है लाइन, मैंने नहीं दिया तो नहीं दिया, पर आप लोगों को ध्यान देना था। चलो तो ये हो गया, आप भी बनाए तो ध्यान रखना, ये प्रॉब्लम आपको ज़रूर आएगी, तो ये फेस करना ही पड़ेगी, क्योंकि कुछ जगह क्या है कि ओपन हो जाती है, लेकिन मेरी प्रैक्टिस है तो इस कारण मैं थोड़ा सा कम करता हूँ ये, बाकी आप भी करेंगे ये छुट्टी दो रहेंगे। ये मेरी फ्रेम हो गई यहाँ तक की कम्प्लीट, अब इसके आगे की फ्रेम हम बनाते हैं। तो यही पोर्शन हमारा एडिट एक्सट्रूजन फ्रंट। अब हमारी अगली जो फ्रेम है वो यहाँ से चलेगी, तो कहाँ तक जाएगी, इधर ऊपर यहाँ पे जाके टिकेगी, ठीक है, इसके हाथ में। तो यही पोर्शन मैं यहाँ से लेता हूँ,
मुझे यहाँ जाके दिखा देता हूँ उसको। काफ़ी स्टेप्स ऐसी है, होनी भी ऐसी चाहिए, थोड़ी सी और शार्प है, कर देते और शार्प। ठीक, अब इसका मैं ले लेता हूँ ऑफसेट। ऑफसेट साइड ले या इधर की साइड, इधर ले लेते। ठीक है, चलिए कर देते इसको स्प्लिट। स्प्लिट करने में फ़ायदा क्या है, ट्रिम की बजाय ये मुझे तो आसान लगती है, बाकी अपनी अपनी पसंद है। स्प्लिट लगता है ठीक से हुई हो गई, इसमें भी करना पड़ेगी स्प्लिट, तो फिर से स्प्लिट ये और यहाँ पे ये पोर्शन गया। तो भाई ये अभी कहाँ पे, यहाँ तक जाके रुकेगी क्या, नहीं यहाँ पे जाके रुकेगी। तो हम यहाँ से भी इसको स्प्लिट कर देते हैं फिर से यहाँ और यहाँ। ठीक है, फिर इसमें हम यहाँ और यहाँ और यहाँ और यहाँ और यहाँ 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 और यहाँ। ठीक है, ये सॉरी गलत वाला सिलेक्ट हो गया, ये भी नहीं हुआ, ये भी स्प्लिट नहीं हुआ, इसको भी ठीक से स्प्लिट करना पड़ेगा नहीं तो आपका काम नहीं होगा। ठीक है, इसको भी हम यहाँ और यहाँ स्प्लिट कर देते हैं। ठीक है, अब इसको कर देते क्लोज़ और इसको भी सॉरी क्लोज़ क्या डिलीट। ओके, यहाँ पे इस वाले पोर्शन को भी हम कर देते डिलीट, और ये वाला है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फिर से आपको करना पड़ेगा स्प्लिट और ये और ये। ठीक है, यहाँ से मैंने कर दिया इसको ओपन। अब ये इसके बाद वाला जो पोर्शन है इसको मैं कर देता हूँ यहाँ तक, इसको कर ही देते ना डिलीट, इसको भी कर देते डिलीट, काम ही नहीं उसका। और ये वाला जो है तो इसको स्प्लिट करना पड़ेगा। ठीक है, आप करने पे ज़्यादा ध्यान दीजिए मैं क्या कर रहा हूँ, बाकी बातें तो क्या है, ज़रूरी भी नहीं है नहीं भी बोलूँ तो भी, पर ठीक है कर लेते हैं, टाइम ये हमारे पास फ्री है। ये यहाँ से ओपन हो रहा है, ठीक है, ये देखिए ये इससे नहीं मिला है, थोड़ा सा पकड़ के आप एक बार इसको कर दीजिए, ये हो गई हमारी फ्रेम क्रिएट। सेव करने का पूछ रहा है तो करना चाहे तो आप कर दीजिए सेव। ठीक है, ये देखिए हमारी फ्रेम हो गई क्रिएट पूरी सेम एज इट इज़। अब इसके पीछे जो है ये वाले पोर्शन में बैक साइड में ये लगानी आपको अभी प्लेट, तो ये तो आप आई थिंक बहुत इजीली तरीके से लगा सकते हैं, जो कि मैंने आपको हर बार बताया है। ठीक है, फिर भी अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो मैं एक और इसका नेक्स्ट वीडियो बना के आपको ये भी बता दूंगा, एक और इसका नेक्स्ट पार्ट बना के। अगर आती है तो आप प्लीज़ इसके बारे में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अभी मैं इसको सेव कर देता हूँ ताकि अगर आपको दिक्कत आती है तो मैं इसी को आगे कंटिन्यू कर दूँगा। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच, करते हैं हम वीडियो को यहीं पर एंड, क्योंकि वीडियो हो चुका है काफ़ी लंबा, 29 मिनट का हो गया है। चलिए बाकी का बाद में करेंगे। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।